प्रमोशन में घोटाले हो रहे हैं तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? अब इसी मुद्दे को ठीक ढंग से लागू करवाने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, दिन और रात हो, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, आने वाले समय में भूख हड़ताल पर भी हम बैठ सकते हैं अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर जखल ब्रांच के कर्मचारी जो है वो आज धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ मांगे एक बार इन्हीं से जानेंगे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। जी सर, क्या कुछ मांगों को लेकर जो है आज आप धरने पर बैठ चुके हैं? हम आपको और आपके चैनल को नमस्कार करते हैं और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। हम प्रमोशन में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसको ठीक करवाने के लिए इस धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरा, एसएससी कैथल के द्वारा हमारे जो साथी हैं उनको नियम विरुद्ध चार्जशीट दी जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है और नियम विरुद्ध उनको सस्पेंड किया जा रहा है। सर, प्रमोशन में घोटाला बंद करो, ये कौन सा मुद्दा है? ये है कि मैंने आपको बताया कि जो नीचे के कर्मचारी हैं, जूनियर कर्मचारी हैं, उनको प्रमोशन दे दिया जाता है, लेकिन जो सीनियर कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। इसी सिलसिले में हमारे कुछ कर्मचारी कैट में भी गए हुए हैं। ये मुद्दा हमने अपने डिवीजन स्तर के ऊपर उठाया तो वहाँ इस आवाज़ को उठाने के बाद में 4 कर्मचारियों को प्रमोशन मिली भी है, लेकिन अब जो प्रमोशन हुए हैं या होने वाले हैं उनमें भी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो 1 ही दिन पहले लागू कर दी गई और उसमें भी गड़बड़ियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए इन प्रमोशनों को सही सुचारू रूप से और नियमानुसार होने के कारण हम इनको सुचारू रूप से करवाने के कारण ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, प्रमोशन में घोटाले हो रहे हैं तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? अब इसी मुद्दे को ठीक ढंग से लागू करवाने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। हम कहाँ जाएं? हमें जो पूर्वजों ने अधिकार दिया है कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो दरी बिठा करके शांतिपूर्वक बैठ जाओ और अपना धरना प्रदर्शन करो। तो सर, आपको तो सीएम सिटी में जाना चाहिए, आप करनाल में क्या कर रहे हो? नहीं, सीएम हमारा जो एडीएन है वो करनाल है और हमारी पहुँच इन तक ही है, तो हम एडीएन करनाल के पास ही जाएंगे। जी सर, जो ये धरना है ये कहाँ कहाँ पर चला हुआ है? ये धरना जी फिलहाल तो यहीं चला हुआ है करनाल में ही, क्योंकि हमारे जो भी मुद्दे हैं वो एडीएन साहब से करनाल से ही संबंधित हैं और एसएससी कैथल से संबंधित हैं। एडीएन साहब से आप पहले भी मिले हो? कई बार मिल चुके हैं, मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में उनके एसएससी आए नहीं, 14 तारीख को ये भी मीटिंग थी, ना एसएससी आए ना मौके पर सीयूएस साहब आए। तो आपको तो सीएम साहब से मिलना चाहिए। नहीं, हमारा जो मामला है वो सीएम से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमारा सेंटर का महकमा है तो हमारे जो ये तो ब्रांच लेवल के ही मामले हैं जो करनाल में ही हमारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं अगर ये अधिकारी चाहते हैं तो, नहीं तो हम डिवीज़न में जाएंगे। डीआरएम हमारे जो बैठते हैं, डिवीज़न के अधिकारी हैं जो, वहाँ पर धरना लगाएंगे जैसे ही हमारे मंडल मंत्री आदेश करेंगे। हमारी तो मेन मांग यही है जी, प्रमोशनों में जो घोटाला है इसको बंद करो, जो जूनियर कर्मचारियों को छोड़ दिएगा उनको प्रमोशन दे और इस एसएससी कैथल की यहाँ से बदली करें, क्योंकि इस एसएससी कैथल ने इतना मतलब डिपार्टमेंट में माहौल ख़राब कर रखा है, जातिवाद ये एसएससी फैलाने का काम करता है। अगर हम बातचीत करने जाते हैं झूठे एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा करवाने की कोशिश करता है, तो अब कर्मचारी जाए तो कहाँ जाए, किससे बात करें? सर, आप यहाँ पर बैठे हो तो काम बंद है ऐसे में? नहीं, काम बिल्कुल बंद नहीं है, सारे कर्मचारी नहीं बैठे, 50% कर्मचारी भी ब्रांच के बैठे हैं, लेकिन अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, लंबे समय तक बैठना पड़ गया तो शायद आने वाली नौबत ये भी हो सकती है, काम भी बंद हो जाए। सर, अभी भी 50% जो है कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं तो जनता को भी तो परेशानी होने वाली है। देखो, अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होती, जो देखो जी जनता को परेशानी हो वो तो बाद की बात है, जब कर्मचारी खुद परेशान है तो हम कैसे इस रेल को चलाने का काम करेंगे जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो। सर, यहाँ धरने से बैठने से पहले आपने किसी के संज्ञान में दिया था कि काम ना रुके, ऐसा कुछ? नहीं, संज्ञान में हमने दे रखा है, यहाँ पे आरपीएफ को भी, जीआरपी को भी, स्टेशन सुपरिटेंडेंट को भी, एडीएन साहब को भी लिखित में हमने जो पत्र जारी किया था वो रिसीविंग हमारे पास है, तो हमने लिखित में देने का काम किया था। सर, ऐसे तो रेलवे की सुरक्षा पर भी सवाल उठ सकते हैं। हाँ देखो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है आने वाले समय में, अगर हमारी मांगों के बारे में अगर ये लोग नहीं सोचते तो, ये अभी तो ब्रांच लेवल पर ये धरना है, शायद ही आगे डिवीज़न लेवल पर भी जा सकता है या ऊपर हाई लेवल पर भी जा सकता है, क्योंकि डिवीज़न लेवल पर भी हमारे एनआरएमयू के मंडल मंत्री कामरेड अनूप शर्मा जी बैठे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं,
ऊपर हमारे जनरल सेक्रेटरी कमेटी शिवगोपाल मिश्रा जी बैठे हैं, वो इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ब्रांच लेवल पर है, अगर ये अधिकारी बात करते हैं, हमारी सुनवाई करते हैं, जो हमारी उचित मांग है उनको मानते हैं, ठीक ढंग से करते हैं, तो शायद यहीं पर समाप्त हो सकता है। लेकिन जब तक ये नहीं सुनेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे, तो तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। दिन और रात हो, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, आने वाले समय में भूख हड़ताल पर भी हम बैठ सकते हैं अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। सर आपका परिचय? मेरा परिचय जी, मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में एज ए ब्रांच सेक्रेटरी हूँ जाखल ब्रांच का, और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री सत्यवीर सिंह जी, ये हमारे ब्रांच के प्रेजिडेंट हैं जाखल के। जनता की सुरक्षा के लिए रेल चलाई जा रही है, ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन कर्मचारी जो है वो धरने पर बैठ जाते हैं। एडीएम साहब से जो है बार बार बातचीत की जाती है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता, जिसके चलते जो है मजबूर होकर आज कर्मचारियों को जो है धरने पर बैठना पड़ा है। आपको बता दें कि आज सिर्फ 50% ही जो कर्मचारी है वो धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो जो है सभी के सभी जो कर्मचारी है वो धरने पर बैठ जाएंगे। तो जनता को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें पड़ने वाली है, तो एक बार अपील जरूर करते हैं कि जो भी इनकी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व होनी चाहिए और जल्द से जल्द इनकी मांगों पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। मैं शबनम जनता की आवाज़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी करनाल से।